हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम जो कवर कर चुके थे वो इंट्रोडक्शन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कवर कर चुके थे। यानी कि क्या क्या इंट्रोडक्शन होने वाला है, डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे उससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं पार्ट फर्स्ट में दे चुका हूँ। अगर पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को आप देखना स्टार्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सिंपल सा है कि इंट्रोडक्शन के बारे में यानी डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में हम ये जान चुके थे कि इस चैप्टर में ओवरऑल पढ़ने क्या वाले हैं। उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कौन कौन से सीरीज हमें देखनी है उसके हिसाब से हमने बात की थी, रोज और कॉलम में कैसे हम चलेंगे उसके हिसाब से हमने बात की थी। वो सभी बातें सुनने के लिए, जानने के लिए आपको पार्ट फर्स्ट देखना ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8.1 हेडिंग है, जो हेडिंग आपकी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है? पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। पोजीशन क्या रहेगी पीरियोडिक टेबल में किसकी? ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम, डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, तो पोजीशन किसकी रहेगी? द ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के बारे में, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उसके बारे में हम देखेंगे। सिंपल सा है, हम जानते हैं कि डी जो ब्लॉक होता है आपका, द डी ब्लॉक ऑक्यूपाइज द मिडिल सेक्शन, यानी पीरियोडिक टेबल का जो मिडिल सेक्शन रहता है। इधर हमारा एस ब्लॉक होता है और इधर बीच में जो खाली रहता है आपका, ये आपका डी ब्लॉक होता है, और इधर कहीं जो रहता है आपका वो आपका पी ब्लॉक होता है, और इधर जो दो रहते हैं आपके जिसे हम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से जानते हैं, ये रहता है आपका एफ ब्लॉक। ऐसी कुछ होती है पीरियोडिक टेबल, जैसा कि हम जानते हैं। ये ब्लॉक्स दे रखे हैं आपके, एस ब्लॉक किसे कहते हैं, डी ब्लॉक किसे कहते हैं, पी ब्लॉक किसे कहते हैं और एफ ब्लॉक किसे कहते हैं। यानी सिंपल सा है, डी ब्लॉक जो होता है आपका वो पीरियोडिक टेबल के मिडिल सेक्शन में प्रेजेंट होता है। उसमें हम पढ़ते हैं सीरीज़ के बारे में, कौन कौन सी सीरीज़ होती हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़, ये सीरीज़ रहती हैं। यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके ये फर्स्ट सीरीज दे रखी है, सेकंड सीरीज़, थर्ड सीरीज़, फोर्थ सीरीज़। इन सीरीज़ के नेम होंगे, ये 3D सीरीज़ कहलाएगी, ये 4D सीरीज़ कहलाएगी, ये 5D सीरीज़ कहलाएगी, ये आपकी 6D सीरीज़ कहलाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सिंपल सा आपका निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, N-1 डी की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक, या 1 to 10 कह सकते हैं, डी की वैल्यू 1 to 10, क्योंकि 0 से 9 रहेगी तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट में होगा और 10 तक हो जाएगी वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं रहेगा। यानी कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा वो N-1 d 1 to 10 और N s 1 to 2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, N-1 d 1 to 10, N s 1 to 2, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसमें अब हम देखें फर्स्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है वो क्या है, पीरियड अगर मैं देखूं, ये फोर्थ पीरियड है आपका, ये फिफ्थ पीरियड है, ये सिक्स पीरियड है, और ये आपका सेवन्थ पीरियड है। ये पीरियड्स हैं, पहले पीरियड यानी फोर्थ पीरियड को 3D सीरीज़ कहा जाता है,
फिफ्थ पीरियड को आपका 4D सीरीज़ कहा जाता है, सिक्स पीरियड को आपका 5D सीरीज़ कहा जाता है, और सेवन्थ पीरियड का आपका 6D सीरीज़ उसे कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो चुकी है, ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर है उसके प्रेजेंस की बात हो चुकी है, पीरियड्स की बात हो चुकी है, सीरीज़ की बात हो चुकी है। अब जो हम जो मेन 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़ के बारे में पढ़ चुके थे, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ले रहे हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे SC का दे रखा है, स्कैनडियम का दे रखा है, कितना है 3D1 4S2, और टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम कितना है इसका 3D2 4S2, 3D3 4S2, 3D5 3D4 4S2, ये इसका होना चाहिए था वैसे, लेकिन ये क्या रखा है 3D5 4S2 होना चाहिए था वैसे, ये 3D4 4S2 होना चाहिए था, लेकिन दे रखा क्या है क्रोमियम का 3D5 4S2। ये हुआ क्या, सिंपल से देख ली, क्रोमियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करें तो ये S ब्लॉक है और ये आपका D ब्लॉक है, ओके। S में कितने 2 और D में कितने हैं 4, 2, 3, 4। अब ऐसे हम ट्रांजिशन बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे हाफ फील्ड करना पड़ेगा, तो हाफ फील्ड की प्रॉपर्टी को जो फॉलो करते हुए यहाँ S में जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहेंगे यहाँ उसे 2 में से 1 निकाल लेगा और अपने आप को हाफ फील्ड करा लेगा, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5 और 4S1 रहता है। आगे समझ में, एक तो आपका एक्सेप्शन केस ये रहता है और एक आपका रहता है कॉपर, यानी क्रोमियम एंड कॉपर आर एक्सेप्शन इन 3D सीरीज। कॉपर का अगर हम करने की कोशिश करें तो कॉपर का सिंपल सा कितना आएगा, कॉपर से पहले क्या है निकल, निकल का कितना है 3D7 3D8 4S2, कॉपर होना क्या चाहिए था वैसे इसका 3D9 4S2, ऐसा होना चाहिए, सेम कंडीशन ये फॉलो करता है, ये अपने आप को हाफ फील्ड करने के लिए S से एक ले लेता है और अपने आपको हाफ फील्ड दिखा देता है 2, 1, 2, 3, 4, 4 है ना, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अपने आपको ये फुली फील्ड दिखाने के लिए कह सकते हो यहाँ से एक रिमूव कर देगा और यहाँ अपने आप को दिखा देगा, जिसका कारण कॉपर का इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन क्या होगा 3D10 4S1। ये दोनों क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन केस हैं। ऐसे ही ये तो रहा 3D सीरीज़ की बात, यानी कि फोर्थ पीरियड की हम बात कर रहे हैं, इसमें पीरियड में ये वाला एक्सेप्शन है। 4D सीरीज़ यानी फिफ्थ पीरियड में क्या एक्सेप्शन रहेगा आपका, ये वाला रहेगा MO और क्या रहेगा आपका AG, MO और AG एक्सेप्शन केस में आएंगे ये फिफ्थ पीरियड यानी 4D सीरीज़ में। सिक्स में कौन कौन से आएंगे, सिक्स में सिर्फ एक आएगा आपका, ये रहेगा ये वाला 79 वाला। अब इससे पहले का क्यों नहीं आया है, इससे पहले का इसलिए नहीं आया क्योंकि 57 का डायरेक्ट नंबर कितना आ रहा है 72, यानी कि बीच में यहाँ घुस जाते हैं F ब्लॉक के एलिमेंट, F ब्लॉक के एलिमेंट बीच में आने के कारण यहाँ की जो सीरीज़ है वो ब्रेक नहीं हो पाती, जैसी है वैसी चलती रहती है, सिर्फ एक्सेप्शन केस निकल के आता है यहाँ, और यहाँ एक्सेप्शन केस निकल के आता है सिर्फ यहाँ। इनके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स तो नहीं है ये, एक्सेप्शन वाले हैं, एक्सेप्शन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करेंगे हम तो सिंपल सा आएगा आपका N-1 इंटू D की पावर 10 और NS2, ये रहेगा एक्सेप्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ में रहेंगे उनका।
अब इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जांपल 8.1 में पूछा गया आपका, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8.1 क्वेश्चन ये पूछा है कि एससी तो ट्रांजिशन मेटल्स है पर जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है। एससी तो ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं है, तो इसका रीजन बताता है कि हम जानते हैं कि स्कैनडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 21 और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 30। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने की कोशिश करेंगे तो सिंपल सा कितना आएगा, 3d1 4s2। ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि डी की वैल्यू, ट्रांजिशन एलिमेंट कब होता है जब डी की वैल्यू 0 to 9 आए तभी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। जहां आपकी डी की वैल्यू 10 आ गई वहां ट्रांजिशन एलिमेंट आपका नहीं होगा। ये बात हम प्रीवियस वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं, इसलिए स्कैनडियम आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है और जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये उस क्वेश्चन का आंसर है, ये उस क्वेश्चन का 8.1 का एग्जांपल 8.1 का आंसर है। ये पार्ट मैं यहीं रोक रहा हूँ, इसके बाद जो पार्ट मिलेगा वो आपको कल मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।